देवभोग में मुंगझर के कांवड़ियों द्वारा देवभोग के तिल नदी से जल लेकर मुंझगढ़ में स्थित कालेश्वर महादेव पर जल अभिषेक किया। लगभग 200 महिला पुरुष एवं बच्चों के कांवड़ियों का दल डीजे की धुन पर जयकारों के साथ शिवमय वातावरण का माहौल पैदा कर दिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ियों का दल देवभोग के नगर से गुजरी तो एक अलग भक्तिमय और माहौल बन गया। 19 सालों के बाद 2 महीने का सावन लगा था, जिसके लिए जगह जगह शिव मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इस कांवड़ियों के जत्थे में कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह कोरमरा भी उपस्थित रहे। भगवान शिव की आराधना जो है श्रावण मास में प्रतिवर्ष की जाती है और पवित्र श्रावण मास का ये परंपरा है। और हमारे गांव में कालेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल हम श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकाल कर जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा वर्षों से चला आ रहा है, निर्माण कर रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासी को? कि भगवान शिव भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ अच्छी वर्षा हो, किसानों में खुशहाली आए और इसीलिए हम भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप अपना परिचय बताइए ना। मैं लोकेंद्र सिंह कोमरवा ग्राम कहाँ से जल भराव लेके आ रहे हैं? हम स्टेल नदी